हेलो दोस्तों, ये लेक्सस जीएस है 2008। चाबी लाओ, चाबी खैरुल्ला। हाँ, इधर है। इसमें मसला ये है कि ये इंजन लाइट ऑन नहीं हो रहा है और कोई गियर का लाइट ऑन नहीं होता है। ये अभी इंजन लाइट ऑन हो गया, अभी इसको क्रैंक करेंगे। ये कैम सेंसर का वायर लगाओ। तो दोस्तों, कभी कभी इसका ये गियर का लाइट भी ऑन नहीं होता है, ये इंजन लाइट भी ऑन नहीं होता है और जो है गाड़ी क्रैंक भी नहीं करता है। अभी देखते हैं कि इसके अंदर क्या मसला है। अभी देखो, लाइट गायब हो गया और जो है इंजन लाइट भी गायब हो गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। अभी इंजन लाइट नहीं आ रहा है, स्विच बंद करके ऑन करके, ना ट्रांसमिशन का लाइट आ रहा है, TDN का भी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। अभी देखते हैं कहाँ पे शॉर्ट है। कैम सेंसर का वायर उपो निकाल, कहाँ पे 5 वोल्ट का शॉर्टेज है, क्या प्रॉब्लम है। अभी नहीं आ रहा है, तो हम चेक करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी इसका 5 वोल्ट चेक करते हैं। इंजन का लाइट ऑन नहीं है, ये ग्राउंड पे लगाया। इसका फैन भी डायरेक्ट हो जाता है, तो अभी ये 20 वोल्ट टेंशन पे लगाया है। देखते 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये गेम सेंसर का वायर है, ये 5 वोल्ट इसमें नहीं है। अभी इसका चेक करते हैं कि इसमें यहाँ CM का 5 वोल्ट नहीं है। चाबी ले लो। वेट, हाँ क्रैंक। अभी जैसे स्टार्ट हो जाता है तो ये जीरो पे आ जाता है। अभी 5 वोल्ट गायब हो गया, तो क्या मुश्किल है। अभी देखते हैं। तो दोस्तों, यही का ECM है। इसमें टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 कनेक्टर है। इसका जो A6 में 4, 5 और 6, ये भी पॉजिटिव है। 17 नंबर इग्निशन स्विच है। तो ये A6 कनेक्टर है, 1, 2, 3, 4 भी पॉजिटिव है, 4, 5 भी पॉजिटिव है, 6 भी पॉजिटिव आना चाहिए, आ रहा है। और 17 इसका इग्निशियम स्विच है, ये 17 इसका इग्निशियम स्विच है, ये है 17, तो ये भी आ रहा है। तो ये 17 वायर में भी इसका इलेक्ट्रिक पॉजिटिव ग्राउंड सही है। अभी देखते हैं ग्राउंड। तो ग्राउंड जो है वो E6 में ये ग्राउंड है इसका, ये मैंने लिख दिया ऑल डाटा से। E8 में 6 नंबर, E8 में 6 नंबर भी नेगेटिव है, वो E45 में 3, 5 ये ग्राउंड है।
अब इसको चेक करते हैं, सिक्स नंबर कहाँ पे है, E8 सिक्स नंबर, ये E8 है, ये जो है ये E8 है, इसमें सिक्स नंबर हम देखेंगे ग्राउंड। तो टेस्टर को अभी पॉजिटिव पे लगाया है, ये सिक्स नंबर है, ये E8 है, तो ये भी सही है। अभी E425 में चेक करते हैं, E425 कहाँ पे है, यहाँ पे 1 2 तीसरा, तो ये E425 है, 1 2 3 और 5 में ग्राउंड होना चाहिए। ये ग्राउंड आ रहा है, ये भी ग्राउंड आ रहा है, ये 3 है, ये 4, ये 5, तो इसका पावर और ग्राउंड पूरा सही है। इसका या तो सेंसर शॉर्ट है, अभी देखते हैं इसको। सबसे पहले फ्यूल प्रेशर सेंसर, तो अभी चेक करते हैं। तो दोस्तों, हमने जब E45 ये तीसरा पिन है, E45 तीसरा पिन है, इसको कनेक्टर, इसको हम जैसे ही निकालते हैं पंखा भी बंद हो जाता है और इंजन का लाइट भी ऑन हो जाता है। और यहाँ पे ऊपर 5 वोल्ट करंट भी आना शुरू हो जाता है, अभी 5 वोल्ट आ रहा है, तो इसमें कोई शॉर्ट है E45 में, इसको चेक करते हैं। दोस्तों, ये जो कनेक्टर है E45 है, तो ये जब हम इसको डिसकनेक्ट करते हैं तो इंजन लाइट भी आना शुरू हो जाता है और सिस्टम सही हो जाता है। तो इसके साथ सबसे पहले ये है VVT सेंसर Bank 1 एग्जॉस्ट, और ये VVT सेंसर Bank 2 एग्जॉस्ट, तो इसको चेक करते हैं। ये तो शॉर्ट नहीं है, इसका अंदर कहाँ पर कोई सेंसर शॉर्ट है, तो ये मसला करता है। तो ये जो है VVT सेंसर एग्जॉस्ट Bank 2 है, ये VVT सेंसर Bank 2 इंटेक का है, जो फिल्डर साइड है इसमें Bank 1 आता है, ये जो है ये Bank 1 है। तो अभी इसको डिसकनेक्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस टॉप को डिसकनेक्ट किया लेकिन कोई फर्क नहीं आया, इस सेंसर को भी उस साइड का भी डिसकनेक्ट किया, इसको भी डिसकनेक्ट किया, और इसके बाद ये एक बाकी है, इसको भी डिस्कनेक्ट किया, कोई फर्क नहीं है। तो अभी चेक करते हैं दूसरा क्या चीज़ है इसमें। तो दोस्तों, ये E45 कनेक्टर है, इसमें हम अभी क्या करने वाले हैं, इसका जो 32 पिन है ये फ्यूल प्रेशर सेंसर के लिए गया हुआ है। अभी इसको कट करते हैं, अगर इसको कट करने से काम सही हो गया तो फिर यही शॉर्ट है फ्यूल प्रेशर सेंसर जो यहाँ पे लगा है, ये फ्यूल प्रेशर है। ये फ्यूल प्रेशर सेंसर है, इसका 3 पिन है, ये 35 है, ये 31 और ये 29, ये कहाँ पे गए हैं अभी देखते हैं। थर्टी फाइव 31
सीधा गए हैं ये ही कनेक्टर में, बाकी तो मैंने चेक किया ये भी शॉर्ट नहीं है, ये सेंसर भी वीटी सेंसर बैंक टू शॉर्ट नहीं है, अब ये सेंसर बाकी रह गया है। अब इसको कट करते हैं और देखते हैं रिजल्ट। तो ये जो 31 है, 30 इसको हम कट करेंगे और 29, ये 29, 30 और 31, तो ये तीनों में से इसका जो रेफरेंस वायर है वो शॉर्ट है। अभी देखते हैं, ये तीन वायर, बाकी पूरा सेंसर चेक किया, ये जो तीन वायर है ये फ्यूल प्रेशर सेंसर का है। अभी इसका कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि इसमें ग्राउंड के साथ किसका कंटिन्यूटी ज़्यादा है तो वो शॉर्ट होगा। तो ये शॉर्ट बता रहा है, दोस्तों हमने इसका ये वायर काटा जो शॉर्ट बता रहा था, यह था है 33, 32, 30, तो ये 30 नंबर वायर है, ये शॉर्ट है, ये सेंसर शॉर्ट है। अभी गाड़ी सही हो गया है, इंजन लाइट भी आने, पंखा भी डायरेक्ट नहीं है। अभी हम खोलेंगे और अपने लोकेशन चेक करते हैं, देखते हैं कि यहाँ सेंसर कहाँ पर आता है। अभी इसके लिए ये वापस लगा देंगे और ये पूरा इंटेक खोल के इसके अंदर फ्यूल प्रेशर सेंसर है, उसको बाद में करेंगे, गाड़ी सही हो जाएगा। तो ये फ्यूल प्रेशर सेंसर शॉर्ट की वजह से पूरा गाड़ी चालू नहीं हो रहा था, क्यों 5 वोल्ट रेफरेंस उसका शॉर्ट था। तो ये गाड़ियाँ मामूली काम होता है और कभी कभी बहुत टेंशन देता है, क्यों पूरा इलेक्ट्रॉनिक से 5 वोल्ट इसका शॉर्ट हो जाता है, ग्राउंड के साथ शॉर्ट है, तो इसमें यही होता है। इसको चेक करने के लिए आप स्कैनर से भी चेक नहीं कर सकते, क्योंकि जब इंजन लाइट नहीं आएगा तो फिर कंप्यूटर तो काम नहीं करेगा, उसमें नो कम्युनिकेशन बताएगा। तो इसके लिए लाजम वायरिंग डायग्राम होना चाहिए। अभी कॉल के दिखाएंगे कि लोकेशन कहाँ है, कहाँ के ऊपर लगा है।
कंटिन्यूटी देखो, अभी इसका निकाल दिया है स्विच का कनेक्टर, अभी देखेंगे शॉर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ग्राउंड सारा ग्राउंड पे सर, अभी कोई कंटिन्यूटी नहीं है, उधर से डिस्कनेक्ट किया। तो ये पूरा इसका वजह है, ये शॉर्ट है तो इस वजह से घर स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये मामूली चीज़ है, पूरा दिन ख़राब कर दिया इसने चेक करने में। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।